कमलनाथ ने डिंडोरी कांग्रेस जिला अध्यक्ष को पद से हटा दिया तो पार्टी में विद्रोह के स्वर मुखर हो गए। डिंडोरी कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र बिहारी शुक्ला ने कमलनाथ पर तानाशाह होने का आरोप तक लगा दिया। वहीं कांग्रेस में विद्रोह के स्वर ने बीजेपी को गंज कसने का मौका दे दिया है। चुनावी साल में मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जहां एक तरफ कांग्रेस सत्ता में वापसी के रास्ते तलाश रही है, तो वहीं पार्टी के भीतर ही कुछ नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल डिंडौरी में कांग्रेस जिला अध्यक्ष वीरेंद्र बिहारी शुक्ला को हटाकर पार्टी ने अशोक पड़वार को जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी में घमासान मच गया है। वीरेंद्र बिहारी ने यहां तक कहा है कि मध्य प्रदेश में सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से नहीं बल्कि कमलनाथ की वजह से गई है। कमलनाथ की तानाशाही से सरकार गिरी। अभी तक हम लोग को लगता था कि सिंधिया की गलती होगी, लेकिन सिंधिया जी की गलती नहीं है, ये कमलनाथ जी की तानाशाही है। वही अध्यक्ष, वही मुख्यमंत्री, वही सीएलपी लीडर, एक एक व्यक्ति तीन तीन पद रखा हुआ। यदि उसी पदों को यदि तीन लोगों को मार देते, सबका प्रेम स्नेह सम्मान बढ़ जाता। राज्यसभा भी वही तय करेंगे, यूथ कांग्रेस भी वही तय करेंगे, एनएसआई की नियुक्ति होती है रुकवा दी जाती है, महिला कांग्रेस आदिवासी नेत्री को हम लोगों ने प्रदेश जिले के अध्यक्ष बनाया, माननीय विधायक ओमकार मरकाम जी की नियुक्ति रुकवा दी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष माँ बहन की गाली दे रहे प्रभारियों को, रात में उनका निष्कासन होता है सुबह कमलनाथ जी उसको स्टे करा देते हैं। कांग्रेस संगठन में अंतरकलह को लेकर बीजेपी को मौका मिल गया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कोई अहमियत नहीं रह गई है। जो लोग वहां काम करते हैं उनकी पार्टी में कोई पूछ परख नहीं होती है, जबकि परिवारवाद को अहमियत दी जाती है। कमलनाथ कॉरपोरेट कल्चर की तरह पार्टी संगठन में नियुक्तियां कर रहे हैं। वीरेंद्र जी ने जिस प्रकार से अपनी भावनाओं को सामने रखा, ये स्पष्ट दिखाता है कि किस प्रकार से कमलनाथ जी की धोखेधड़ी की 15 महीने की सरकार चली है, जिसने न केवल जनता के साथ छल किया बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को भी पीछे धकेला। और ये जो कॉरपोरेट कल्चर वाला एक एटीट्यूड है कमलनाथ जी का, उसकी वजह से लगातार कॉरपोरेट कल्चर वाले लोगों को वो प्रमोट करते हैं, परिवारवाद वालों को वो प्रमोट करते हैं, और जो खाटी कार्यकर्ता है, जो झंडा उठाता है, जो दरी बिछाता है कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए या संगठन को चलाने के लिए, उनको हमेशा संगठन से बाहर का रास्ता दिखाते हैं। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों पर जवाब दिया और इसे एक नियमित प्रक्रिया बताया। कांग्रेस का कहना है कि संगठन में समय समय पर नियुक्तियां होती रहती हैं और जो व्यक्ति काबिल होता है उसकी नियुक्ति की जाती है। कांग्रेस संगठन में पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं की सहमति के आधार पर समय समय पर नियुक्तियां होती रहती हैं, जो कि एक सहज प्रक्रिया है। इसी तरह से जिन जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों की नियुक्ति अभी तक नहीं हो सकी थी, वो नियुक्तियां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी की सहमति से राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा की गई है। इस मामले में विभिन्न कार्यकर्ताओं के जो भी विरोध या मत भिन्नता है, उनको भी पार्टी नेतृत्व गंभीरता से ले रहा है और सभी कार्यकर्ताओं की राय को गंभीरता से लिया जाएगा। संगठन में नियुक्तियों को लेकर उठ रहे सवाल पर कांग्रेस घिरती नजर आ रही है। चुनाव से पहले पार्टी के नेता जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं, उससे पार्टी को आने वाले चुनाव में नुकसान भी हो सकता है। डिंडोरी से निषाद सोढ़ी और भोपाल से नीलम गुर्वे के साथ टीम न्यूज स्टेट। मंदसौर के दलौदा थाना क्षेत्र में भीषण